साल हुए लेकिन मुआवजा जो है वो कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए सही है कि बस ऑपरेटर्स की चिंताएं भी सही हैं, लॉकडाउन के कारण बस नहीं चल पाई, सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण भी थोड़ा दूरी के कारण या तो 50% कैपेसिटी पर चल पाई, तो उस समय जो उनके ऊपर टैक्स का भी एक बोझ है उसमें मदद चाहते हैं कि राज्य की सरकार उसको माफ़ करे, अगर माफ़ ना भी करे तो काफ़ी हद तक उसको कम करे। मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ उठाने वाला हूं। बीजेपी की डिफरेंट कमिटीज की बैठक है, यू हैव आल्सो कम फॉर दैट, क्या एजेंडा है? वो मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री आप सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट वाला भी नॉट बन गया है सर, केंद्र से किस तरह की मदद दी जाएगी ताकि बच्चों में ज्यादा रहेगा सर थर्ड वेव का असर? देखिए पहली बात मैं कहूँ कि जब कोरोना महामारी आई उस समय देश के अंदर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, वैक्सीन का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। भारत में तो 40-40 साल तक वैक्सीन नहीं आती थी जो दुनिया भर में आ जाती थी, लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व था जिसने आत्मनिर्भर भारत का न केवल नारा दिया उस पर चलाया। आज एक दिन में 15 लाख से ज़्यादा पीपी किट बनती है, देश और दुनिया को दी जाती हैं। वेंटिलेटर बेड मात्र 20,000 थे जो बढ़कर 4,40,000 हो गए। 1,551 PSA ऑक्सीजन प्लांट देश भर के कोने कोने में स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन एक नहीं दो दो निर्माण भारत कर रहा है। अमेरिका ने अगर 30 करोड़ वैक्सीन लगाई तो भारत ने 25 करोड़ वैक्सीन लगाई और भारत के बाद ब्राजील ने 8 करोड़ वैक्सीन लगाई, बाकी देशों ने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लगाई है। तो इससे पता चलता है भारत ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी शानदार काम किया है और इस साल के अंत तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में उपलब्ध होंगी और लगभग सारे देश को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले तो सभी राज्य कहते थे कि हमें वैक्सीन खरीदने का अधिकार दो, जनवरी फरवरी महीने की आप सारी स्टेटमेंट उठाकर देखिए अधिकतर विपक्ष के राज्यों ने कहा हमें अधिकार दो वैक्सीन खरीदने के, जब अधिकार दिए तो वैक्सीन खरीद नहीं पाए तो कहा कि मोदी सरकार खरीद के दे। हमने 45 साल से ज्यादा वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाई, 18 साल से ज्यादा वालों को भी देश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगा रही है। देश में सर इसमें रेट में जो चल रही है पासवान विधायक और मंत्रियों को उपलब्ध ना हो पाना, आम जनता को उपलब्ध ना हो पाना, और फिर गंभीर आरोप जो भ्रष्टाचार के कोविड की लेकर लगे हैं कि जिस तरह से पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को इस्तेमाल नहीं कर पाए, मिट्टी खाने के लिए फेंक दिए पंजाब में, तो राजस्थान ने पीएम केयर्स के मुफ्त के आए वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए। पंजाब ने वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दे दी और कई गुना ज्यादा दाम उनसे ले लिया, तो वहीं पर राजस्थान ने वो वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंक दिया। तो सच्चाई है कि यहाँ के कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी सरकारों से कुछ नहीं है, ये कांग्रेस को देखना है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों राज्यों में और कांग्रेस के कई और शासित राज्यों में बहुत बुरी हालत है जहाँ कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हुई है।